सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसआर के स्टारर मूवी डंकी के बारे में, जो कि 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इस मूवी के ओटीटी रिलीजिंग अपडेट के बारे में। ये मूवी आपको कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई डंकी मूवी, जिसको राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्ट किया गया है, इसमें आपको मेन लीड में एसआर के विकी कौशल और तापसी पन्नू देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी रहने वाली है पांच दोस्तों की कहानी पे, जो कि इंडिया से यूके जाना चाहते हैं इलीगल तरीके से। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी रहने वाली है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग फिलहाल के लिए 7.5 आउट ऑफ 10 चल रही है। अगर हम बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, ये मूवी बनी है 120 करोड़ में, और इस मूवी ने भी जवान और पठान की तरह बहुत ही अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इसने पहले दिन ही 30 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। क्योंकि ये एक मास एंटरटेनर मूवी नहीं है, फिर भी इस मूवी ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, और काफी सारे लोग इस मूवी को थिएटर्स में मिस कर देंगे और बाद में इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना पसंद करेंगे। तो ये मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, तो अगर हम बात करें इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसके ओटीटी राइट्स हैं जियो सिनेमा के पास। और अगर हम बात करें इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो जियो सिनेमा अपनी कोई भी मूवी जल्दी रिलीज नहीं करता, कम से कम 6 महीने का टाइम तो वो लेता ही है। और अगर हम बात करें डंकी मूवी के बारे में, तो इसके ओटीटी राइट्स यहां पे जियो सिनेमा शायद नेटफ्लिक्स को बेचने वाला है बहुत ही जल्दी। अगर उनको एक अच्छी अमाउंट मिलती है तो वो डंकी के ओटीटी राइट्स बेच देंगे नेटफ्लिक्स वालों को, और नेटफ्लिक्स कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर इस मूवी को रिलीज कर देगी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर इस मूवी के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स को सेल नहीं हुए, तो इस मूवी का भी हाल जरा हटके जरा बचके जैसा होने वाला है, और ये मूवी भी आपको 6 महीने से पहले तो जियो सिनेमा के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर भी होप करते हैं इसके ओटीटी राइट्स हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाए, और ये मूवी जल्दी से जल्दी हमें किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।